राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने वाले मामले पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आखिरकार कमलनाथ के मुंह पर सच्चाई आ ही गई, लेकिन रायपुर में बीजेपी नेताओं पर किस आधार पर FIR कराई गई है। इस दौरान उन्होंने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधा। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ ने स्वीकार कर ही लिया कि भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का लाइव ट्वीट हुआ था। उन्होंने कहा, आपकी यात्रा में ये नारा लगा, लेकिन स्वरा भास्कर और कन्हैया कुमार जैसे लोग जिस यात्रा में शामिल होंगे तो उस यात्रा से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। मिश्रा ने कमलनाथ से सवाल करते हुए कहा कि कमलनाथ जी एक बात बताएं, रायपुर में जो FIR हुई, क्या वो आपराधिक षड्यंत्र नहीं था? क्या वो राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है? क्या ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं है? रायपुर में बीजेपी पर FIR किस आधार पर दर्ज की गई है? कमलनाथ जी, आखिर सच्चाई आपकी जो वहाँ पे आई गई कि लाइव ट्वीट हो गया था पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का, आपकी यात्रा में ये नारा लगा, स्वरा भास्कर जी और कन्हैया कुमार जिस यात्रा में चलेंगे उस यात्रा से और क्या उम्मीद करेंगे? लेकिन एक बात कमलनाथ जी बताएं, फिर रायपुर में जो FIR हुई, क्या वो आपराधिक षड्यंत्र नहीं था? क्या वो राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है? क्या वो सत्ता का दुरुपयोग नहीं है जो आपने भाजपा के ऊपर रायपुर में, अब तो आपने स्वयं ने स्वीकार लिया कि लाइव ट्वीट हुआ है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।